जी मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे कि आप ऐसा कैसे कर लेते हो। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, अगर आप कुछ भी काम करते हो तो सुदृढ़ भाव से काम करना और धैर्य साहस एकाग्रता जरूर बनाए रखना। इसलिए मैं आज आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये बात 7 सितंबर 2010 की है, जब एक रूसियन फ्लाइट 1T54 81 लोगों को लेकर मॉस्को जा रही थी। जब ये फ्लाइट 10 किलोमीटर हाइट पर उड़ रही थी तभी उसकी सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करना बंद हो गई थी, जिसकी वजह से ये फ्लाइट क्रॉस होने वाला था, लेकिन पायलट ने एक ग्लास और एक पानी का बोतल यूज करके ही ये प्लान क्रॉस होने से बचा लिया और सारी पैसेंजर का जान बचा लिया। अब सवाल आता है कि पायलट ने ऐसा कैसे? इलेक्ट्रिकल फेलियर वजह से प्लेन की नेविगेशन सिस्टम और रेडियो सिस्टम में काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से पायलट को उसका लोकेशन पता नहीं चल रहा था। इसीलिए पायलट फ्लाइट को लो एंटीट्यूड पर लेकर आया, जिसकी वजह से जमीन पर कोई सड़क नदी रनवे देख सके और प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कर सके। और ऐसा करने पर उनको एक पुराना रनवे दिखाई दिया, लेकिन पायलट को समझ नहीं आ रहा था कि फ्लाइट सीधी उड़ रही है या टेढ़ी उड़ रही है। इसीलिए उन्हें एक पानी की बोतल से एक ग्लास में पानी भरा और चौकपेट पर रख दिया। जब ग्लास की पानी एकदम फ्लट हो गया तो अब पायलट समझ गया कि प्लेन सीधी उड़ रही है और पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कर दिया। तो गाइज इस वीडियो से हमें कुछ को मिला, आप नीचे कमेंट करके बताइए।